तिरुपति बालाजी मंदिर की मान्यता देश भर में विख्यात है। भक्त दूर दूर से बालाजी दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। अगर आप तिरुपति मंदिर जाने के इच्छुक हैं या यहाँ नियमित रूप से जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, दरअसल अब तिरुपति मंदिर में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके चलते भक्तों को महीने में सिर्फ एक बार फ्री में दर्शन करने को मिलेंगे। तो आइए बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में 1 मार्च से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले कैमरे की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए मंदिर प्रशासन को भक्तों के लिए सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को भक्तों के सामान्य दर्शन काउंटर, लड्डू काउंटर और ठहरने के लिए बनी धर्मशाला में शुरू किया गया है। इससे बार बार दर्शन करने वाले भक्तों की बजाय जो भक्त वास्तव में लंबे समय से वेटिंग में हैं, वो जल्दी दर्शन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, मंदिर की फ्री सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ये फैसला लिया है कि भक्त की महीने में एक बार ही तिरुपति बालाजी के फ्री दर्शन कर सकेंगे। इससे ज्यादा बार यदि कोई फ्री दर्शन करने की कोशिश करेगा तो उसकी जानकारी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशासन को मिल जाएगी और उसे रोक दिया जाएगा। यानी कि जब तीर्थयात्री दूसरी बार मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चेहरे की पहचान के साथ व्यक्ति की जांच की जाएगी। व्यक्ति की तस्वीर को डेटा बैंक में भेजा जाएगा और टिकट का मिलान किए जाने के बाद उसे अनुमति दी जाएगी, अन्यथा ये गलत पहचान का संकेत होगा। जानकारी के लिए बता दें कि ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे यूजर मोबाइल को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है जिसे जेंडर, उम्र और इमोशन के आधार पर चेहरे की पहचान की जा सकती है। इससे दो चेहरों के बीच में फर्क भी बताया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी में लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। एक और जरूरी बात आपको बता दें कि अब दर्शन के लिए भक्तों को टोकन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे भक्त जल्दी दर्शन कर पाएंगे। चलिए अब आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तिरुपति मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मेरू पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती हैं। ये चोटियां शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, विष्टाद्री, नारायणाद्री और व्यंकटाद्री कहा जाता है। इनमें से व्यंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें व्यंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में बालाजी के दिन में 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप कहलाता है, जो सुबह के समय होता है। दूसरा दर्शन दोपहर और तीसरा दर्शन रात को होता है। भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय किए जा सकते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।